बच्चों, आज हम शब्द भंडार में पढ़ेंगे वाक्यांश के लिए एक शब्द जिसमें हम वाक्यांश की परिभाषा पढ़ेंगे और उसके विषय में विस्तार से जानेंगे। वाक्यांश की परिभाषा जिन शब्दों के प्रयोग से भाषा में संक्षिप्तता आती है तथा भाषा सुंदर और प्रभावपूर्ण हो जाती है, ऐसे शब्दों को वाक्यांश के लिए एक शब्द कहते हैं। तो बच्चों, परिभाषा से आपको पता चला कि वाक्यांश का प्रयोग हम क्यों करते हैं। वाक्यांश के लिए जिन शब्दों को प्रयोग किया जाता है उन्हें हम वाक्यांश कहते हैं। इनसे भाषा जो होती है वो हमारी सुंदर और प्रभावपूर्ण हो जाती है। ऐसे शब्दों को बोलने में सुगमता मिलती है और ऐसे शब्द सुनने में अच्छे लगते हैं। तो बच्चों, वाक्यांश को हम उदाहरण के माध्यम से और स्पष्ट रूप में समझेंगे। विद्या प्राप्त करने का स्थान। तो बच्चों, ये लाइन क्या हो गई? विद्या प्राप्त करने का स्थान, ये हो गया वाक्यांश और ये हो गया एक शब्द विद्यालय। समझ में आया आपको ना, है ना, कि वाक्यांश के लिए एक शब्द है ना। तो ये हो गया आपका वाक्यांश, विद्या प्राप्त करने का स्थान, ये हो गया आपका वाक्यांश और उसके लिए हमने एक शब्द जो प्रयोग किया है वो है विद्यालय, ये हो गया आपका शब्द। इसी तरह से इसमें वाक्यांश कहाँ है? देखने वाले, ये हो गया वाक्यांश और ये हो गया दर्शक, एक शब्द जो हमने प्रयोग किया उसके लिए दर्शक, तो ये हो गया आपका शब्द। इसे ही कहते हैं वाक्यांश के लिए प्रयोग किया जाने वाला एक शब्द। इसे हम और आगे अपने वीडियो में और उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट रूप से समझेंगे। तो चलते हैं हम आगे की ओर। नीचे कुछ वाक्यांशों के लिए एक शब्द दिए गए हैं, इन्हें याद कीजिए। वाक्यांश और एक शब्द। लालच करने वाला, लालची, जिसमें दया ना हो। निर्दयी, जिसने ऋण ले रखा हो। ऋणी, जो दूसरों पर उपकार करे, परोपकारी। जिसका कोई शत्रु ना हो, अजात शत्रु। काम से जी चुराने वाला, कामचोर। जो बच्चों काम नहीं करता है, काम से जी चुराता है ना, आज का काम कल पे डालता है, उसे हम क्या कहते हैं? कामचोर। जो चित्र बनाता हो, चित्रकार। शिक्षा देने वाला, शिक्षक। मांस खाने वाला, मांसाहारी। वर्ष में एक बार होने वाला, वार्षिक। इसी प्रकार से बच्चों, दिन में एक बार होने वाला, दैनिक। मांस ना खाने वाला, शाकाहारी। ठीक है ना, इसी तरह आप और भी वाक्यांश को पढ़ सकते हैं और जो यहाँ पे वाक्यांश दिए गए हैं इन्हें आपको याद करना है।